नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के भविष्य पर होगा फैसला। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई अपने सांसदों की बैठक। राष्ट्रपति चुनाव पर पार्टी के रुख पर होगी चर्चा। सीएम मेघनाथ शिंदे ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर कसा तंज। का कुछ लोग सोचते हैं वे शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। अग्निपथ पर रक्षा मंत्रालय की परामर्श समिति की बैठक आज। राजनाथ सिंह करेंगे अध्यक्षता। तीनों सेना प्रमुख रहेंगे मौजूद। एयर चीफ मार्शल ने अग्निपथ को बताया दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप। का अग्निपथ से वायुसेना की संचालन क्षमता नहीं होगी प्रभावित। अमरनाथ में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के तीसरे दिन हाथ लगी मायूसी। मलबे में फंसे लोगों के जिंदा बचने की संभावना लगभग खत्म। राज्यपाल सिन्हा ने नुनवान शिविर में बाढ़ से नुकसान का लिया जायजा। बोले अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू कराने के प्रयास में जुटा है प्रशासन। IS-4 OM रक्षा प्रणाली को आज लॉन्च करेगा इसरो। अब अपने उपग्रहों की रक्षा खुद कर सकेगा भारत। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है विश्व जनसंख्या दिवस 2022। 8 अरब हो गई आबादी। हर मिनट में पैदा हो रहे हैं 270 बच्चे। गडकरी ने महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के ब्लॉक का किया उद्घाटन। का निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था लोकतंत्र की सबसे बड़ी जरूरत। संकट के बीच आज विधायक दल का नया नेता चुनेगी कांग्रेस। सोनिया ने मुकुल वासनिक को भेजा 5 विधायक लापता। टेस्ला के CEO एलन मस्क को कोर्ट में घसीटने की तैयारी। ट्विटर ने न्यूयॉर्क की शीर्ष लॉ फर्म को सौंपी जिम्मेदारी। राजधानी दिल्ली में आज से एकल उपयोग प्लास्टिक पर बढ़ेगी सख्ती। नियम उल्लंघन पर 1,00,000 जुर्माना। 5 साल की हो सकती है जेल। कोतवाया के घर में मिले करोड़ों रुपए सेना को किए गए सुपुर्द। राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के बाद मौज मस्ती करते दिखे प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में जारी संकट पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान। का राजपक्षे मदद मांगे तो भारत को देनी चाहिए सैन्य सहायता। अब एक साथ 73 लाख पेंशन भोगियों को मिल सकेगी पेंशन। EPFO की बैठक में केंद्रीयकृत प्रणाली को मिल सकती है मंजूरी। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने 41 ट्वीट कर सुनाई अपनी व्यथा। बताया कैसे उनसे गंगा मंत्रालय ले लिया गया था वापस। नए नियमों को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से भिड़े जयराम रमेश। का कुछ लोगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किए बदलाव। ब्रिटिश PM की रेस में शामिल ऋषि सुनक के खिलाफ अभियान शुरू। जॉनसन समर्थकों ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गलत दस्तावेज। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद की दौड़ में अब एक और नाम शामिल। विदेश मंत्री ट्रंप ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में ठोकी दावेदारी। देश में अब पेट से तरल पदार्थ निकालने के लिए सुई जरूरी नहीं। शोध में दावा दवाओं से भी किया जा सकता है मरीज का उपचार। UP में पशुओं की दवा खरीद में 50 करोड़ से ज्यादा का घोटाला। घटिया दवाओं और उपकरणों को मनमानी दर पर खरीदा। जांच शुरू। गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। स्कूल कॉलेज बंद। राजस्थान महाराष्ट्र के लिए अलर्ट जारी। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 16,678 नए मामले। 26 संक्रमितों की चली गई जान। सक्रिय मामले 1,30,000 के पार। जापान की सत्तारूढ़ LDP ने जीता हाउस ऑफ काउंसलर का चुनाव। इसी पार्टी के कैंपेन के दौरान हुई थी पूर्व PM शिंजो आबे की हत्या। 1 घंटे अटका रहा मसूरी के सुरकंडा देवी मंदिर को जोड़ने वाला रोपवे। भाजपा विधायक समेत 40 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया बाहर। राहुल गांधी ने नए वन नियमों को बताया आदिवासियों के खिलाफ। बोले जनजातियों के अधिकारियों की रक्षा करने से पीछे भाग रही है सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राहुल गांधी पर लगाया आरोप। बोले वन भूमि नियमों को लेकर कांग्रेस कर रही है दुष्प्रचार। ट्रांसफर पोस्टिंग पर नीतीश की रोक से भड़के भाजपा मंत्री। राम सूरत राय बोले विभागीय तबादले जरूरी। पद किसी की बपौती नहीं। PPL लागत में 4% की बढ़ोतरी से दिल्ली में बढ़े बिजली बिल। बिजली बिल में फिक्स्ड चार्ज में जुड़कर अधिभार के रूप में होगा लागू। मध्य प्रदेश में मेधा पाटकर समेत 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। छात्रों को मिले धन का राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में प्रयोग करने का आरोप। NDRF ने रोपवे और केबल कार का शुरू किया सुरक्षा ऑडिट। आपात स्थिति में बचाव अभियान तेज करने का बनेगा नया प्लान। गोरखपुर में होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना करेगी UP सरकार। CM योगी बोले राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनेगा टूरिज्म बोर्ड। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मुर्मू की देवगौड़ा से मुलाकात। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए मांगा समर्थन। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अगले 2 दिन में बैठक करेगा विपक्ष। शरद पवार समेत कांग्रेस वाम दल और TMC के नेता होंगे शामिल। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब CM भगवंत मान पर लगाया आरोप। बोले विधानसभा के लिए जमीन मांगकर चंडीगढ़ पर छोड़ा पंजाब का दावा। जयपुर सिकंदराबाद एक्सप्रेसवे में बम की अफवाह। मध्य प्रदेश के इटारसी में पुलिस की जांच में नहीं मिली संदिग्ध वस्तु। जल्द ही कांग्रेस छोड़ सकते हैं हरियाणा के बड़े नेता कुलदीप बिश्नोई। शाह और नड्डा से मुलाकात के बाद ट्विटर से हटाई सोनिया राहुल की फोटो। कुलदीप के भाजपा में शामिल होने की खबरों पर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बोले भाजपा में जाने से पहले आदमपुर के विधायक पद से दें इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट में आज आ सकते हैं माल्या और अबू सलेम पर फैसले। मार्च में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सजा पर सुरक्षित रख लिया था आदेश।
पलानी स्वामी की बैठक से पहले पनीर सेल्वम समर्थकों ने की तोड़फोड़। मद्रास हाईकोर्ट ने आम परिषद की बैठक पर रोक लगाने से किया इनकार। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता पर साधा निशाना, बोले मां काली का अपमान करने वाली सांसद का बचाव कर रही है मुख्यमंत्री। बिजनौर पुलिस ने चोरी का खुलासा कर पकड़े दो शातिर चोर, एसपी सिटी प्रवीण रंजन बोले करीब 1.5 लाख के जेवरात हुए बरामद। संभल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने यूपी में अच्छे शासन का किया दावा, बोले कार्यकर्ताओं को नौकरशाही से कोई शिकायत नहीं, सभी खुश। महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, शोभा ओझा बोली राष्ट्रवाद की आड़ में भाजपा खेल रही है नफरत का खेल। लालू यादव की सेहत में सुधार को लेकर तेज प्रताप का भावुक पोस्ट, बोले मुझे बस पापा चाहिए, राजनीति में बड़े पद का लालच नहीं। ग्वालियर में 2 साल के छोटे भाई का शव लेकर सड़क पर बैठा रहा मासूम, वाहन के लिए भटकता रहा पिता, कोतवाली टीआई ने करवाई व्यवस्था। तीसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 17 रन से हराया, सूर्य कुमार की 117 रन की पारी गई बेकार, रोहित विराट फ्लॉप। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 216 रन का रखा लक्ष्य, जवाब में 20 ओवर में 198 रन ही बना सकी भारतीय टीम। FIH महिला हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम ने किया निराश, क्रॉस ओवर मुकाबले में मेजबान स्पेन से 0-1 से गमाया मैच। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद, नमस्कार।